वेलकम दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज से हम। सबसे पहले डेटाबेस कैसे बनाते हैं। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए सिंपल, अब या तो यहाँ पे न्यू जाइए, डेटाबेस का नाम डालिए और क्रिएट कर दीजिए। अगर कमांड से करनी है आपको तो सिंपल लिख सकते हो क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नेम मान लो ए फर्स्ट रख दिया मैंने। ये फर्स्ट ये करा, ये क्रिएट हो गया। अगर आपको डेटाबेस को डिलीट करना है उसके लिए होता है ड्रॉप, ड्रॉप डेटाबेस। ये ड्रॉप हो गया। तो मान के चलो मैंने एक डेटाबेस बना रखा है, ये रहा। अब इसके अंदर आते हैं हम टेबल क्रिएट करने। यहाँ ऑप्शन होता है न्यू का, तो ये ऐसे करके आप क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको उससे क्रिएट करना है क्या कहते हैं कमांड से, कमांड नहीं सॉरी एसक्यूएल से, तो उसके लिए वो क्रिएट कमांड ये सब आपको लिखने पड़ेंगे। जैसे कि मैं मान लेता हूँ यही, तो इसमें क्या होता है, इसमें सिंटैक्स होता है क्रिएट टेबल, आपकी टेबल का नेम, उसके बाद आपको आईडी डालनी है, फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, ईमेल डालनी है, रजिस्ट्रेशन डालनी है, डेट ये डाल दो। उसके बाद उसका टाइप वो इंटीजर है, फिर उसके बाद वो ऑटो इंक्रीमेंट करना है, उसमें प्राइमरी की सेट करनी है आपको, फर्स्ट नेम। प्राइमरी की क्या होती है, हर टेबल के अंदर एक प्राइमरी की ज़रूर होती है जो कि एक यूनिक होती है। तो जब भी आप कोई भी टेबल बनाओगे उसमें प्राइमरी की रखना ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं मतलब होनी चाहिए। फिर उसके बाद फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम के लिए वेर केयर, ये आपको होता है डेटा टाइप कि आप इसको इंटीजर कर सकते हो, वेर केयर कर सकते हो, बूलियन कर सकते हो। और इसमें लगा रखा है नॉट नल, वो वैल्यू नल होनी चाहिए। सेम फिर लास्ट नेम के लिए कर रखा है उन्होंने, ईमेल के लिए ये। तो ऐसे तो आप ये करोगे रन, ये क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पर ये हो चुकी। उस टेबल को डिलीट करना है तो सेम वही ड्रॉप डेटाबेस की जगह बस टेबल आ जाएगा, टेबल ये। तो ये तो हो गया कमांड से करने का, वो है एसक्यूएल से करने का तरीका। अब जैसे कि एसक्यूएल से तो कोई भी नहीं करता है नॉर्मली, हर कोई बनाता है। तो यहाँ पे बनाने के लिए यहाँ पे हम न्यू क्लिक करेंगे, उसके बाद टेबल का नेम, टेबल का नेम मैं कर देता हूँ स्टूडेंट रख देता हूँ। स्टूडेंट रख दिया, स्टूडेंट की आईडी, आईडी को मैं कर देता हूँ ऑटो इंक्रीमेंट, ये एआई होता है। उसके बाद उसको प्राइमरी की सेट कर देता हूँ, ये प्राइमरी की सेट कर दिया। और यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ, चलो ये ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट का नेम होगा कुछ, उसकी ईमेल आईडी होगी और उसकी क्या रखें, अभी और फील्ड बढ़ा लेते हैं। फील्ड बढ़ाने के लिए यहाँ पे जितने ही फील्ड बढ़ाने हैं आप यहाँ पे क्लिक करके बना सकते हो, 1 2 3 4 जो भी हैं गो करोगे ये फील्ड आ गया। तो उसका ईमेल आईडी होगी, ये हो गया। उसका जेंडर क्या है ये भी मैं बताता हूँ, रुको, जेंडर क्या है। उसके बाद सबसे लास्ट के दो फील्ड में हमेशा कोशिश करना क्रिएटेड एट और मॉडिफाई, ये वाली डेट होनी चाहिए कि हमें पता चल जाएगी कब हमारा रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है और कब डिलीट हुआ है और कब अपडेट हुआ है, ठीक है। उसके बाद जेंडर हो गया, फ़ोन नंबर भी मैं डाल देता हूँ उसका, फ़ोन नंबर। और यहाँ डाल देता हूँ एक फील्ड एडमिशन आईडी, एडमिशन नंबर, ठीक है। तो अब ये आते हैं टाइप कि आपको किस टाइप का रखना है। आईडी तो आप इंटीजर ही रखोगे, और नेम आपको वेर केयर कर दो। उसकी लेंथ नेम कितना हो सकता है, 20 करेक्टर का, 10 का, 15 का, तो जितने भी करेक्टर का होता है वो आप करेक्टर डाल दो, मैंने 40 डाल दिया। ईमेल आईडी वेर केयर रख दो, कितने की हो सकती है, 20 25 कुछ भी डाल दो, 20 डाल दें। जेंडर
तो जेंडर जैसे कि या तो मेल होगा या फीमेल होगा, तो उस केस में क्या कर सकते हैं हम, इनम यूज़ करेंगे, इनम यहाँ पे डाल देंगे, या तो फीमेल हो या मेल हो। और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में अगर कुछ सेट करना है कि कोई वैल्यू नहीं डालता है तो वो उसकी वैल्यू हो जानी चाहिए मेल, तो ये आप सेट कर सकते हो यहाँ पे। सेम ऐसे ही ईमेल आईडी में अगर किसी ने नहीं डाला है तो ईमेल आईडी आप नल सेट कर सकते हो। नेम मैंने नन कर दिया है। फ़ोन नंबर मैं वेर केयर में डाल देता हूँ, जिसकी लेंथ 12 रख देता हूँ। एडमिशन नंबर इंटीजर ही रहने देता हूँ। उसके बाद क्रिएटेड एट, ये मैं करता हूँ टाइम स्टैम्प, कि अगर कोई डेट ना भी डाले इसके अंदर गलती से तो ये अपने आप करंट टाइम स्टैम्प को ले लें। यहाँ मैं डालता हूँ टाइम स्टैम्प, ठीक है। अब मैं कर देता हूँ गो सेव, तो ये आपकी स्टूडेंट नाम की टेबल सेव हो गई। ठीक है दोस्तों, तो फिर इंसर्ट कैसे करते हैं बाकी वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक यू।